Hello friends this is Faruk Ibrahim and welcome to my YouTube channel Math Zone. Today in this video I will teach you about uh, how to find inverse of a matrix by adjoint method of 2x2 two two order and 3x3 three three order. So in the previous video uh, as you know that uh, we have learned about uh, adjoint of a matrix of 2x2 two two order and 3x3 three three order and that adjoint of matrix we will use in this video. So without uh, which, uh, wasting much time we will start our video. First we find uh, uh, inverse of a matrix um, by adjoint method of 2 by 2 order so here is the question that first we find <coughs> inverse of a matrix by adjoint method of 2 by two order. Okay. Let's suppose there is a question A is equal to a question three, five, two, four. And there is a question that find inverse. Inverse. We will represent inverse in this form. Okay. So if there is a question that find inverse if possible, there is a condition that if possible any इधर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन्वर्स मालूम करें अगर पॉसिबल है तो अब ऐसा क्यों है सबसे पहले मैं आपको इनवर्स का फार्मूला लिख के बता देता फॉर्मूला फार्मूला क्या है ए इज इक्वल टू एनवर्स ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट अब इफ पॉसिबल लिखा हुआ है इसका मैं मतलब बता देता हूँ कि इफ पॉसिबल क्यों लिखा है यहां पे? ये इफ पॉसिबल क्यों लिखा है इसलिए लिखा है कि अगर ए डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा तो ए इनवर्स फाइंड नहीं हो सकता यानी मैंने बताया था ना सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए और अगर कोई जीरो के अलावा कोई नंबर आएगा तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया सो तो ये आगे क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता तो इसलिए लिखा हुआ है इफ़ पॉसिबल तो डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो क्वेश्चन आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता तो फर्स्ट वी फाइंड ए डिटर्मिनेंट फर्स्ट वी पॉइंट ए डिटर्मिनेंट ठीक है डिटर्मिनेट कैसे निकालते हैं टू बाई टू का आपको पता है कैसे ए डिटर्मिनेंट मैंने बताया था डिटर्मिनेंट को हम ऐसे स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं अगर आपने डिटर्मिनट कैसे शो कर दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा ठीक है डिटर्मिनट को मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं इज इक्वल टू यहाँ भी स्ट्रेट लाइन आएगी थ्री टू फाइव फोर थ्री टू फाइव फोर ओके एंड ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू थ्री फोर से होगा उसमें तो मैंने बताया था थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय टू माइनस आता है फिर फाइव मल्टीप्लाई बाय टू ओके अच्छा थ्री फोर था ट्वेल्व ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू थ्री फोर द ट माइनस आएगा फाइव टू द टेन ओके ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल ट्वेल्व माइनस टेन टू इट्स मीन कि इसका ज़ीरो नहीं आया ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो टू आ रहा है यानी जीरो के अलावा कोई भी नंबर आएगा तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा इसका इन्वर्स भी पॉसिबल है अगर जीरो आता है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता ठीक है हमने ए डिटर्मिन निकाल लिया अब एडजॉइंट निकालेंगे नाउ वी फाइंड नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ज्वाइंट ए अब एडजॉइंट कैसे निकालेंगे एडजॉइंट ज्वाइंट ए इज इक्वल टू कैसे बताया था मैंने के प्रिंसिपल डाइगनल के जो एलिमेंट्स हैं उनकी हम उनको हम इंटरचेंज कर देंगे यानी थ्री फोर की जगह चला जाएगा और फोर थ्री की जगह चला जाएगा, जाएगा देखेंगे कैसे थ्री की जगह फोर आ गया और फोर की जगह थ्री आ गया और बाकी जो दो एलिमेंट्स हैं इनके हम साइन चेंज कर देंगे ये प्लस फाइव है तो माइनस फाइव हो जाएगा ये प्लस टू है तो माइनस टू हो जाएगा माइनस फाइव एंड दिस विल बी माइनस टू ओके सो मेरे पास ए डिटर्मिनेंट भी आ गया एट ए भी आ गया अब मैं इनको फार्मूला में रख दूंगा ना पुटिंग ए डिटर्मिनेट एंड एट ज्वाइंट ए इन फॉर्मूला ठीक है इसको फॉर्मूले में रख देंगे सो ए इनवर्स वर्ड एट ज्वाइंट लगा लेते हैं ए डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है टू आ रहा है टू लिख दिया मैंने और आ है तो मैं ठीक है फोर माइनस फाइव माइनस टू एंड थ्री ठीक है अब अगर आप इससे चाह रहे हैं तो इसे डिवाइड भी कर सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको डिवाइड भी कर सकते हैं इसको दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं यू भी लिख सकते हैं इसको वन अपॉइंट टू को अलग करके लिख दें एंड इसको अलग करके लिख दें फोर माइनस टू माइनस फाइव एंड थ्री या आपका आंसर हो सकता है ये भी आंसर हो सकता है या अगर दूसरी फॉर्म इसकी ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हर एलिमेंट को टू से डिवाइड करा दें जैसे ए इनवर्स इज इक्वल टू ठीक है तो क्या करेंगे जैसे फोर डिवाइडेड बाई टू फोर डिवाइडेड बाई टू माइनस टू डिवाइड बाई टू माइनस टू डिवाइडेड बाई टू माइनस फाइव डिवाइडेड बाई टू माइनस फाइव डिवाइडेड बाई टू एंड थ्री डिवाइडेड बाई टू थ्री डिवाइडेड बाई टू तो ये भी आंसर हो सकता है इसको अगर आप डेसिमल फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं जो भी इसका आंसर आएगा वो भी लिख सकते हैं तो इस तरीके से हम इन्वर्ट मालूम कर सकते हैं टू बाई टू ऑर्डर का होप के आपको समझ आया होगा अब हम चलते हैं थ्री पॉइंट थ्री वो थ्री बाई थ्री ऑर्डर की तरफ लेते थ्री बाय थ्री ऑर्डर का सो आई हैव अ क्वेश्चन ए इज इक्वल टू वन टू नाइन थ्री फोर एट फाइव सेवन सिक्स ठीक है फाइंड द इन मैं लिख देता हूं फाइंड ए इनवर्स ठीक है सबसे पहले इनवर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं क्या है ए इनवर्स इज इक्वल टू एट जॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे अगर ए डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकता तो फर्स्ट सबसे पहले इनवर्स जब आप इनवर्ट्स निकालो तो एडज मेथड से तो सबसे पहले आप ए यानी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकता फर्स्ट वी फाइंड ए डिटर्मिनेंट ओके ए डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं स्ट्रेट लाइन से ठीक है वन टू नाइन वन टू नाइन थ्री फोर एट थ्री फोर एट फाइव सेवन सिक्स फाइव सेवेन सिक्स ओके ए डिटर्मिनेंट मैंने थ्री बाई थ्री ऑर्डर का भी ए डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया हुआ मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले क्या करेंगे वन लिखेंगे फिर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे फिर मैं बता देता हूँ कि वन जिस रॉ में और जिस कॉलम में आ रहा है उसके एलिमेंट्स को हाइड कर देंगे जैसे इसको हाइड कर देंगे क्या बचा फोर सेवन एट सिक्स फोर सेवेन एट सिक्स फिर माइनस साइन आएगा थ्री लिखेंगे थ्री लिखेंगे फिर स्ट्रेट लाइन बना देंगे अब थ्री जिस रॉ में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसको कैंसिल कर देंगे क्या बचेगा टू नाइन सेवन सिक्स टू नाइन सेवन सिक्स फिर आ जाएगा प्लस का साइन फिर फाइव लिखेंगे स्ट्रेट लाइन बना देंगे फाइव जिस रो में आ, आ रहा है जिस कॉलम में आ रहा है उसको कैंसिल कर देंगे टू नाइन फोर एट टू नाइन फोर एट ओके ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू वन करली ब्रैकेट लगाएंगे फोर सिक्स ट्वेंटी फोर डायरेक्ट लिख देता हूँ फोर सिक्स ट्वेंटी फोर माइनस एट सेवन दिफ्टी सिक्स ओके माइनस थ्री टू सिक्स ट्वेल्व माइनस आता है सेवन नाइन द दिक्स नाइन दा या सेवन नाइन द सिक्सटी थ्री

फिफ्टी वन आ जाएगा प्लस फाइव ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स 20 सिक्स ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी हो जाएगा बड़े नंबर के इधर भी माइनस आएगा क्यों क्योंकि बड़े नंबर इधर भी माइनस आएगा बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है इधर भी माइनस आएगा क्योंकि सिक्सटी दी बड़ा है उसके साथ माइनस का साइन है इधर भी माइनस आएगा बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है ओके इधर तक क्लियर है ठीक है ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्लस माइनस 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 का थर्टी टू थर्टी थर्टी टू को वन से करेंगे माइनस थर्टी टू हो जाएगा ठीक है माइनस माइनस प्लस फिफ्टी वन को थ्री से करें फिफ्टी वन थ्री थ्री वन जो थ्री थ्री फाइव जो फिफ्टीन वन फिफ्टी थ्री प्लस माइनस माइनस ट्वेंटी को फाइव से करें हंड्रेड हो जाएगा ठीक है अब माइनस के ये दो हैं तो इनको ऐड कर लें माइनस हंड्रेड और माइनस थर्टी टू माइनस वन थर्टी टू और वन फिफ्टी थ्री में से वन थर्टी टू को निकाल दें कितना हो जाएगा थ्री टू वन फाइव थ्री टू और ये ज़ीरो हो जाएगा ट्वेंटी वन सो ए डिटरमिनेंट आपका ट्वेंटी वन आ गया इट्स मीन कि जीरो नहीं आ रहा जीरो के अलावा के नंबर आ रहे तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है अब नाउ वी फाइंड एड ए नौ वी फाइंड एट ज्वाइंट एके एड ज्वाइन ऐ कैसे निकालते हैं मैंने बताया था उसका फॉर्मूला क्या होता है एट जॉइंट ए इज इक्वल टू को फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले कैसे ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं ठीक है अब ए वन वन कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था कि एट a ए सबसे पहले मैंने बताया था कि पॉजिटिव कैसे निकालते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था वन प्लस वन यानी इवन के साथ हम क्या करते हैं पॉजिटिव लगाते हैं और ऑड के साथ हम नेगेटिव लगाते हैं तो वन प्लस वन टू बना टू क्या है एक इवेंट नंबर है तो इवेंट के साथ इवेंट नंबर के साथ एक इवेंट नंबर है इवेंट के साथ हम पॉजिटिव लगाते हैं तो वन प्लस वन यानी प्लस आएगा वन प्लस टू एक और नंबर वन प्लस टू थ्री बनेगा तो थ्री के साथ नेगेटिव आएगा यानी ऑड के साथ नेगेटिव आएगा यहाँ पे, 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 पे प्लस आएगा यहाँ पे माइनस आएगा यहाँ पे प्लस आएगा यहाँ पे माइनस आएगा यहाँ पे प्लस आएगा यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा ठीक है बाद में जो आंसर आएगा उनको इन साइंस से मल्टीप्लाई करेंगे अच्छा इतना हो गया अब हम ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ये सब निकालते हैं को फैक्टर्स निकालते हैं ए वन वन ठीक है ए वन वन कैसे निकालेंगे यानी पहली रॉप पहला कॉलम कैंसिल पहली रॉप पहला कॉलम कैंसिल फोर एट सेवन सिक्स फोर एट सेवन सिक्स सिक्स फोर द्वेंटी फोर माइनस एट सेवन द फिफ्टी सिक्स जो आएगा वो आगे लिख देंगे इसी तरह ए वन टू कैसे निकालेंगे ए वन टू यानी पहली रो दूसरा कॉलम पहली रहो दूसरा कॉलम कैंसिल टू नाइन सेवन सिक्स टू नाइन सेवन सिक्स सिक्स टू द ट्वेल्व माइनस सेवन नाइन दिक्सटी थ्री जो आंसर आएगा आगे लिख देंगे ए वन थ्री ए वन थ्री कैसे निकालेंगे ठीक है पहली रो तीसरा कॉलम पहली रो तीसरा कॉलम टू नाइन फोर एट टू नाइन फोर एट ए टू दिक्कटीन माइनस फोर नाइन द थर्टी सिक्स नाइन फोर द थर्टी सिक्स जो भी है ठीक है इसी तरह निकालिए ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री अब ए टू वन निकालेंगे ए टू वन एट वन का क्या मतलब है यानी दूसरी रॉ पहला हम रॉ होता है और दूसरा वाला कॉलम होता है यानी दूसरी रॉ और पहला कॉलम तो क्या बचा थ्री एट फाइव सिक्स थ्री एट फाइव सिक्स थ्री एट फाइव सिक्स फाइव एंड सिक्स ठीक है क्या हो जाएगा सिक्स विजा एटीन माइनस फाइव एट जा फोर्टी आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा ठीक है अब ए टू टू ए टू टू ए टू टू का मतलब है यानी दूसरी रॉ दूसरा कॉलम दूसरी रॉ और दूसरा कॉलम क्या बचा वन नाइन फाइव सिक्स वन नाइन फाइव एंड सिक्स ए टू थ्री निकाल लेते हैं ए टू थ्री कैसे निकालेंगे दूसरी रॉ तीसरा कॉलम ये रही दूसरी रॉ और ये रहा तीसरा कॉलम वन नाइन थ्री एट वन नाइन थ्री एट ठीक है ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री भी लिया अब ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री निकालेंगे ए थ्री वन निकाल लेते हैं ये कैसे रिप्रेजेंट होगा इसको ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा सिक्स वन दिक्स माइनस नाइन फाइव द फोर्टी फाइव जो आएगा उसका आंसर यहाँ लिख देंगे एट वन द एट माइनस नाइन थ्री द ट्वेंटी सेवन जो आंसर आएगा उसका आगे लिख देंगे ठीक है अब थर्ड रॉ पहला कॉलम थ्री और वन का क्या मतलब है पहला थर्ड रॉ और पहला कॉलम यरी थर्ड रॉ और पहला कॉलम थ्री फोर फाइव सेवेन थ्री फोर फाइव सेवन इज इक्वल टू सेवन थ्री द ट्वेंटी वन माइनस फोर फाइव द ट्वेंटी जो आंसर आएगा आगे लिख देंगे ए थ्री टू भी इसी तरीके से निकालेंगे ए थ्री टू तीसरी रॉ दूसरा कॉलम तीसरी रॉ और दूसरा कॉलम वन टू फाइव सेवेन वन टू फाइव सेवन इज इक्वल टू सेवन वन द सेवन माइनस फाइव टू द टेन जो आंसर आएगा आगे लिख देंगे ए थ्री थ्री ठीक है थर्ड रो थर्ड कॉलम थ्री थ्री का मतलब क्या है थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी ये थर्ड रो और ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम तो क्या बचा वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर ओके इसका आंसर देख लेते हैं फोर वन द फोर माइनस थ्री टू था सिक्स उस आंसर रख लेते हैं अच्छा ट्वेंटी फोर माइनस फिफ्टी थी यहाँ पर क्या है हमने माइनस थर्टी टू आएगा और ट्वेल्व माइनस सिक्सटी थ्री किया था माइनस फिफ्टी वन आएगा अच्छा ये कितना आ जाएगा माइनस ट्वेंटी आएगा माइनस ट्वेंटी आ जाएगा यहाँ पे अच्छा ये आ जाएगा एट्टी माइनस फोट एटी माइनस फोर्टी आ जाएगा आपका माइनस ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी टू ओके okay, ये आ जाएगा सिक्स माइनस फोर्टी फाइव आपका आ जाएगा माइनस थर्टी नाइन एंड एट माइनस ट्वेंटी सेवन आपका आ जाएगा माइनस नाइनटीन एंड ये आ जाएगा आपका वन सेवन माइनस टेन माइनस थ्री माइनस टू सारे को फैक्टर्स आ गए अब इनको इस फॉर्मूले में रख देंगे एट ज्वाइंट में नौ एट ज्वाइंट ए इज़ इक्वल टू ए वन वन ए वन वन क्या है मेरे पास ये रहा, माइनस थर्टी टू ए वन टू ए वन टू मेरे पास आया माइनस फिफ्टी वन ठीक है इसी तरीके से ए वन थ्री ए वन थ्री मेरे पास आया माइनस ट्वेंटी फिर ए टू वन ए टू वन मेरे पास आया है माइनस ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी ए टू टू ए टू टू मेरे पास आया माइनस थर्टी नाइन फिर इसके बाद ए टू थ्री मेरे पास आया माइनस नाइनटीन ठीक है फिर इसके बाद ए थ्री वन ए थ्री वन आया मेरे पास वन ठीक है देन इसके बाद ए थ्री टू माइनस थ्री आया मेरे पास फिर इसके बाद ए थ्री थ्री मेरे पास आया माइनस टू और फिर उसका ट्रांसपोज लेना है ट्रांसपोज लेना है ठीक है ट्रांसपोज अभी लिया नहीं है तो आपने ट्रांसपोज में क्या करते हैं या तो रॉक को कॉलम की फॉर्म में लिख दें या कॉलम को रॉ की फॉर्म में लिख दें तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं एट जॉइंट ए इज इक्वल टू ठीक है ये रॉ है इसको कॉलम की फॉर्म में लिख दूंगा माइनस थर्टी टू माइनस फिफ्टी वन माइनस ट्वेंटी ठीक है ये एक रॉ है इसको कॉलम की फॉर्म में लिख दूंगा माइनस ट्वेंटी टू माइनस थर्टी नाइन माइनस नाइनटीन ये एक रॉ है इसको कॉलम की फॉर्म में लिख दूंगा वन माइनस थ्री माइनस टू ये हमने एड जॉइंट ले लिया इसका अच्छा अब ये जो साइंस लिखे थे इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं साइंस ये रहे ठीक है इनसे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इनको एड ए इज इक्वल टू अब देखें यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है प्लस माइनस माइनस होता है थर्टी टू आ जाएगा ठीक है यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस उसका ट्वेंटी हाँ टू आ जाएगा ठीक है ये प्लस है ये प्लस है प्लस 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 होता है तो प्लस का वन आ जाएगा ठीक है उसके बाद ये माइनस है ये भी माइनस है माइनस माइनस प्लस होता है फिफ्टी वन आ जाएगा ठीक है उसके बाद ये प्लस है ये माइनस है प्लस माइनस 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 का थर्टी नाइन हो जाएगा उसके बाद ये माइनस है ये भी माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का थ्री हो जाएगा ठीक है उसके बाद ये प्लस है ये माइनस है प्लस माइनस माइनस हो जाता है माइनस का ट्वेंटी हो जाएगा उसके बाद ये माइनस है ये माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 19 हो जाएगा ठीक है ये प्लस है ये माइनस है माइनस हो जाएगा और माइनस का टू हो जाएगा ठीक है मेरे पास ए डिटर्मिनेंट भी आ गया एड ए भी आ गया दोनों को ले जाकर फॉर्मूले में रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा ठीक है थोड़ी सी जगह यहाँ पे बना लेते हैं तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या है ए डिटर्मिनेंट सबसे पहले मेरे पास आया था ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन लिख दिया और एडजॉइंट ए मेरे पास क्या है एडजॉइंट मेरे पास यह है तो उसको तरह इस लिख दूंगा किस तरीके से माइनस थर्टी टू ट्वेंटी टू वन माइनस थर्टी टू ट्वेंटी टू वन फिफ्टी वन माइनस थर्टी नाइन फिफ्टी वन माइनस थर्टी नाइन थ्री माइनस ट्वेंटी नाइनटीन टू माइनस ट्वेंटी नाइन्टीन एंड टू ठीक है ये आपका आंसर है इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको थोड़ा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए इनवर्स वन अपॉन ट्वेंटी वन को अलग कर ले उसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं माइनस थर्टी टू ट्वेंटी टू वन फिफ्टी वन माइनस थर्टी नाइन फिफ्टी वन माइनस थर्टी नाइन थ्री माइनस ट्वेंटी नाइन्टीन एंड टू एक और तरीका मैंने बताया कि ट्वेंटी को हर एलिमेंट से डिवाइड कर सकते हैं ये ऐसे भी लिख सकते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ये आपका आंसर है इस तरीके से भी लिख सकते हैं सो आई होप कि आपको ये ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको अगर पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें क्योंकि हर आने वाली वीडियो ताकि आपको जल्द से जल्द मिल सके थैंक यू